दोस्तों, फोटोग्राफी में एडिटिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना एडिटिंग का फोटोज कुछ खास नहीं लगते। अब जितना भी अच्छा फोटोग्राफी कर लो, अगर एडिटिंग नहीं आता तो आपको फोटोज कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। देख सकते हैं आप, एडिटिंग की मदद से मैंने इस फोटोज को यहाँ से यहाँ तक लाया, जस्ट बिकॉज एडिटिंग। तो इतना दिन आप लोगों ने देखा, फोटोग्राफी के ऊपर में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो होने वाला है फोटोशॉप के ऊपर में। तो चलिए, वीडियो के अंदर में सारा प्रोसेस को सीखेंगे। और मैं आज एडवांस कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ, सिंपल कैसे एडिटिंग करते हो वो सिखाऊंगा सिर्फ। लेकिन उससे पहले, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके हमारे यूट्यूब चैनल एडिफिनिशन फोटोग्राफी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने इतना दिन वीडियो नहीं बनाया। तो जैसे मुझे एक मौका मिला, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एडिटिंग सिखाने की कोशिश करूंगा, और मुझे जितना आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जितना आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ऑन कर लेना है, और आपको अपना फोटोज इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद आपको अपना फोटोज का लेवल चेक करना है। तो लेवल चेक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एल दबाकर आप लेवल को सेट कर लीजिए। मैं अपने फोटोज के अकॉर्डिंग लेवल को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना फोटोज सेट कर लिया अपने लेवल के हिसाब से। फोटोग्राफी में कुछ बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कंट्रोल प्लस दबाने से फोटोज जूम होते हैं और कंट्रोल माइनस दबाने से फोटोज जूम आउट होते हैं। उसके बाद आप फोटोशॉप का मेन हथियार जो होता है कैमरा रो फिल्टर, हम अभी उसको यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिल्टर पे। फिल्टर के जाने के बाद कैमरा रो फिल्टर। तो कैमरा रो फिल्टर में सबसे पहले हम बेसिक करेक्शन कर लेंगे। तो बेसिक पैनल पे जाएंगे, उसके बाद मुझे फोटोज थोड़ा येलो टोन में पसंद है, टेम्परेचर को येलो की तरफ लेके जाने वाला हूँ। 5 स्टॉप। सबका फोटोज एडिट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं अपना फोटोज के अकॉर्डिंग फोटोज को एडिट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग एडिटिंग कीजिए। तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को माइनस की तरफ लेके जाऊँगा, -20। उसके बाद शेडो को थोड़ा प्लस की तरफ लेके जाएंगे, +10। उसके बाद वाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, +5। उसके बाद ब्लैक को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, -10। उसके बाद क्लियरिटी को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, -10। और टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, +10। और डीएस को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, -3। उसके बाद आपको वाइब्रेंस में चले जाना है। वाइब्रेंस को आप +20 तक। उसके बाद आपको कर्व पैनल में चले जाना है। कर्व में जाने के बाद आपको लाइट को थोड़ा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, +5। उसके बाद डार्क को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, -5। शेडोज़ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, +2। मैं अपने फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग कलर कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद आपको चले जाना है कलर मिक्सचर पे। मैं रेड को +20 तक रखता हूँ। उसके बाद ऑरेंज को +5। आप येलो को चेक कर लीजिए, माइनस करना है ना प्लस करना है, तो मैं प्लस करता हूँ, +6। तो मेरे यहाँ पे दूसरा कलर नहीं है, तो मैं दूसरे कलर को सेम एज इट इज़ रखने वाला हूँ। उसके बाद चला जाना है आपको लुमिनस पे। लुमिनस पे आपको ऑरेंज को थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि फ्रेश ब्राइट होना चाहिए, तो मैं +5 रखता हूँ। और रेड को भी +5, येलो को -5। देख सकते हैं आप, बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर। उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग में चले जाना है। कलर ग्रेडिंग में मिड टोन्स, शेडो और हाइलाइट्स। तो इसको थोड़ा छेड़ता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। फ़ोटोज़ में आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, जो भी चाहिए। मैं शेडोज़ को थोड़ा ब्लू टोन की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा मिड टोन की तरफ, थोड़ा ग्रीनिश टोन पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ इफेक्ट पैनल पे, थोड़ा विग्नेटिंग ऐड करने। तो मैं -10 पे रखता हूँ। उसके बाद मिड टोन को थोड़ा इंक्रीज करके 60 तक लेके जाता हूँ। राउंडनेस को +10 और फेदर को थोड़ा ऐड करेंगे +60 तक।
आप चाहे तो हाइलाइट्स को बढ़ा या कमा सकते हैं, तो मैं 0 पे रखता हूँ। उसके बाद आपको चला जाना है कैलिब्रेशन पे। कैलिब्रेशन पे ग्रीन प्राइमरी पे सेचुरेशन को +5 और ब्लू प्राइमरी में +5, रेड प्राइमरी में +2। तो हो गया हम लोगों का कलर ग्रेडिंग। अगर आपके पास सेम सेटिंग्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं तो ये सेटिंग्स को आप सेव करके रख सकते हैं प्रीसेट में। तो इसके लिए आपको जाना है 3 डॉट पे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे जाके जाने के बाद सेव सेटिंग्स, उसके बाद आप सेव फोल्डर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया और प्रीसेट का नाम दे दिया Model 5। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिर सेटिंग्स को अप्लाई करना है। फ़ोटोज़ को लेना है आपको, उसके बाद कैमरा फिल्टर में जाना है, 3 डॉट में क्लिक करना है और लोड सेटिंग करके आपको प्रीसेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद प्रीसेट को अप्लाई करने से सेम रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये था बिफोर और ये है आफ्टर। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस कुछ सिखाऊंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।